चल जल्दी चेंज करना है हम लोग को, चल 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 चेंज कर ले। उसकी क्या गलती? उसका अनाथ होना तुम्हारे लिए इतना बड़ा गुनाह हो गया कि तुम उसे इस तरह छोड़कर जा दी? वाह! अरे बीमार नहीं है, अकेला है बेचारा। उसे अपना कहने वाला, सीने से लगाने वाला कोई नहीं इस दुनिया में, और इसलिए तुम भी उससे प्यार नहीं करना चाहती। पैदा होने के बाद मां जब अपने बच्चे को सीने से लगाती है, तब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो उसकी मां है। और इसे ये एहसास तुम्हारे सीने से लगकर हुआ है, तुम्हें अपनी माँ के रूप में देखता है, तुम में सुकून मिलता है, शांति मिलती है इसे, और तुम इसके प्यार के बदले बस इसे यूं बीच मझधार छोड़ के जाना चाहती हो। जाओ, पछताओगी, जिंदगी भर गिल्ट में रहोगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम शांति से, सुकून से अपनी जिंदगी जी सकती हो, तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन अगर 1% भी डाउट है, तो जाके देखो उस मासूम की आंखों में, गले से लगाओ उसे, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजे खुल जाए। क्योंकि सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं, तुम्हें भी उसकी जरूरत है। ऊपर वाला यूं ही कुछ नहीं करता है, उसके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आगे तुम्हारी मर्जी। फैंटास्टिक, क्या बोला? अमेजिंग रितेश। थैंक यू। कौन थे सर जी वो? पता नहीं। पता नहीं, तो फिर उसने आपको थैंक यू क्यों बोला? पता नहीं, पर ऐसा लगा पहले उसे मिल चुका हूं, कुछ तो स्पेशल था उसमें। सर आप स्टार हैं, हर रोज आपको कोई ना कोई स्पेशल मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ बात थी यार, इस जैसा दूसरा कोई नहीं, वन एंड ओनली। वो तो है सर, तभी तो उसने अपना इयररिंग आपके शर्ट पर छोड़ दिया।
मॉम जी। अरे मैडम, ये उस लड़की की सीट से ये लेटर मिला है, देख लो। जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा इंदु, तब तक मैं तुम्हें और इस बच्चे से बहुत दूर जा चुकी होगी। कभी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ लिखूंगी, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सॉरी इंदु कि मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम में डाल रही हूँ, पर मैं थक चुकी हूँ। इस दुनिया से लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं चाहिए मुझे ये बच्ची। ये मेरे साथ रहेगी तो मेरा अतीत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और अपने आने वाले कल में मैं अतीत का कोई साया नहीं चाहती। तुम इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दो या मंदिर के सीढ़ियों पे, तुम्हारी मर्जी। पर भूल जाओ मुझे, सोच रहा कि हम कभी तुम्हारी जिंदगी में आए नहीं थे। कल रात के लिए थैंक यू एंड अगेन सॉरी। बॉब जी, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? इस लड़की में दिल नहीं है क्या? वो कैसे अपनी बच्ची को छोड़ के ऐसे जा सकती है? उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें इस बच्ची की क्या गलती है? वो अपने आगे बच्ची के बारे में सोच भी नहीं रही है बॉब जी। ये क्या? फिर से ब्रेड ऑमलेट? क्या मौज? बॉब जी जब भी घर से बाहर जाते हैं ना, आप तो किसी को भूखा ही मार दो। ज्यादा जबान दराजी मैं कर, सुबह जल्दी उठा कर और खुद ही बना लिया कर। गुड मॉर्निंग आंटी। ये लो, मम्मा ने आलू के पराठे भेजे। वाओ, थैंक यू विवेक भैया। एक आप ही हो जो मुझसे सच्चा प्यार करते हो, बाकी यहाँ पे ना सब मेरे जान के दुश्मन है। क्या हुआ? आप इसको छोड़ो, तू बाहर जाके पराठे खा। जा। आंटी, वैसे इंदु का कोई कॉल आया? कहाँ आया? वही जो कल रात बात हुई थी। उसके बाद ना इंदु का फोन आया और ना ही राजेंद्र जी का। सच सच बताना विवेक, वहाँ भोपाल में कुछ हुआ है क्या? कोई गड़बड़ हुई है क्या? देखना, कैसे एकदम से दोनों गायब हो गए। मैं देखती हूँ। और इसीलिए इंदु बच्ची को घर ले आई। इंदु, बच्ची को अंदर लेके जाके सुला दो। ठीक है अंकल, मैं बाद में आता हूँ। बेटा एक मिनट, ये बात किसी को। थैंक यू। मैं जानता हूँ ये सब बातें एकदम से जहन में बिठाना मुश्किल है, लेकिन बच्ची को घर लाने का फैसला मेरा नहीं, इंदु का था। आप बाप हैं उसके, मना कर सकते थे। कल को आपकी बेटी चांद मांगेगी तो उसके लिए चांद तोड़कर लाएंगे। छोटी है वो, दर्द में है,
फैसला लेने की समझ नहीं है उसमें, लेकिन आप तो अपना फर्ज निभाते। तुम दोनों ने जो करना था तो कर लिया, अब मेरी सुनो, कुत्ते का पिल्ला या खरगोश का बच्चा नहीं है, एक छोटी सी बच्ची है, इंसान है। सुमिता मेरी देख, हरगिज नहीं, वो बच्ची इस घर में नहीं रह सकती, बस कहीं भी छोड़कर आओ, बस डिपो में छोड़कर आओ, अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ, बस बस यहाँ नहीं रहेगी, इंतु उसे नहीं रखेगी, बस। राजेंद्र जी, कुआरी है मेरी बच्ची, इंदु उस बच्ची को तो जिंदगी दे देगी, लेकिन उसका खुद का क्या, उसके भविष्य का क्या? हाँ? कौन शादी करे उससे? आई स्वेर दी, अगर मैं वहां होती ना तो उस महेश का ना मैं मुंह नोच लेती, पत्थर वत्थर फेंक कर उसका सर फोड़ देती मैं। दी, मैं बेबी के लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ, दी इधर देखना। ऐसे क्या देख रही है? बाल पीछे करना। क्या हुआ? आपकी एक इयररिंग कहाँ गई? यही कहीं होगी। आप रुको, मैं देखती हूँ। अंजू। हाँ दी। ये वो इयररिंग बस में तो नहीं गिर गई? बस में? मेरी फेवरेट वाली इयररिंग थी, कहाँ गिरी होगी? तुझ में ही जाने क्यों दिल मेरा खो रहा है, तेरे मेरे दरमियाँ शायद इश्क हो रहा। अरे यार, गो फॉर इट माय फ्रेंड, योर टर्न। चीयर्स। क्या कर रहा है यार? लूजर, लूजर, चैंपियन से पंगा नहीं लेते। बोल दे मेरे भाई, बोल दे, हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी दिन आएगा। अरे कहाँ जा रहा है, कल शूट का है कुछ बता, टाइम लाइन बता। चिंता क्या है, बच्चा है क्या? ओ Thank you.
वैसे ज्यादा भाव मत खाना, पर मैं सिर्फ ये कहने आया था कि कल भाव कितना सुंदर लग रहा है आज आसमान, एकदम स्मूथ एंड क्लियर। आज पापा मुझे हाय जो कहने आ गए, द ब्राइटेस्ट स्टार माय पापा। जब भी मुझसे मिलने आते हैं ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्लियर स्काइज, ताकि बाप और बेटे को कोई डिस्टर्ब ना कर सके, खुल के बात कर सके। बहुत गॉसिप करते हैं हम लोग, घर की बात, काम की बात, तेरी बात, हीरोइनों के बारे में बात, हर स्टेप पे मुझे गाइड करते रहते हैं, जानते हैं ना कि इससे अकेले कुछ हो नहीं पाएगा। आई नो दैट यू आर द बेस्ट, द बेस्ट, यस। लेकिन क्या है ना बाबा, इतनी आसानी से नींद नहीं आती। कौन सोच सकता है कि बॉलीवुड का सुपरस्टार दरअसल अपनी लाइफ में इतना अकेला है। कभी कभी सोचता हूं कि इससे ज्यादा अकेला शायद ही कोई और होगा। कौन समझाए इसे, ये बच्ची इसका अकेलापन दूर नहीं करेगी बल्कि इसे और अकेला कर देगी। शायद मेरी बेटी जितना अकेला इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। बहुत प्यार कर।